नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आज हम आपको मूंग की खेती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मूंग की खेती करना चाह रहे हैं या आपने मूंग बो दी है, किसान भाइयों, जैसे कि आप मूंग बो देते हो, उसके 10 से 12 दिन बाद आपकी मूंग जब ऊपर निकल के आती है अच्छी तरह, तो जैसे ही 10-12 दिन हो जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इल्लियों का अटैक रहता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा, ये देखिए किसान भाइयों, इस समय जो आप देख रही हो, ये 10 से 12 दिन की जब मूंग हो जाती है, जब निकल के बाहर आ जाती है, इसमें जब एक दो पत्ता निकलना शुरू होता है, 15 दिन की जैसे ही मूंग हो जाती है पूरी तरह, तो उस पर इल्लियाँ पूरी तरह अपना कब्जा जमाना लगती हैं। लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि जब भी इल्लियाँ मूंग में आती हैं, इसके गर्दन जो होती है वहाँ से किल्लियाँ और निकलती हैं, यानी जो वहाँ से और जो फुटेर होती है वहाँ पर ही ये अपना कब्जा जमा लेती है। जैसे कि आप देख रहे हो, वहीं से ये पूरा खा जाती है और पौधे को पूरी तरह नष्ट कर देती है। ज़्यादातर किसान भाइयों ये हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस समय मूंग बहुत छोटी होती है जिस समय ये इल्लियाँ आती हैं, और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और किसान भाइयों, जिस पौधे पर ये इल्लियाँ लग जाती हैं उसकी ग्रोथ तो होना नामुमकिन है, और जिस पर इल्लियाँ नहीं लगती है उसकी ग्रोथ किसान भाइयों काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये मैंने देखा है, जो कि मैं अभी आपके लिए दिखाऊँगा। तो किसान भाइयों, इसको कैसे आप रोक सकते हो, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। और किसान भाइयों, जैसे कि आप इस खेत में देख रही हो, एक ही मूंग है और जिस पे इल्लियाँ लगी हुई हैं उसकी ग्रोथ नहीं कर रहा है पौधा, और जिस पे इल्लियाँ नहीं है वो पौधा ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, इसकी खास बात ये है कि इल्लियों का अटैक काफ़ी तेज़ी से होता है। आपकी मूंग चाहे मार्च की हो चाहे अप्रैल के पहले हफ्ते की हो, इसमें ज़्यादा अटैक देखा गया है 15 अप्रैल के बाद। जो मूंग में इल्लियाँ आती हैं वो कम आती हैं। जैसे कि इस पौधे को देख रहे हो, ये भी इसी खेत का है, लेकिन ये पूरी तरह ग्रोथ कर चुका है, क्योंकि इस पर कोई भी इल्लियाँ नहीं लगी है शुरू से और एंड तक, इस वजह से इसमें ग्रोथिंग चल रही है। और जिस पर इल्लियाँ आ जाती हैं, और किसान भाइयों, ज़रूरी नहीं है कि इल्लियाँ की वजह से ही ग्रोथ रुक जाती है। अब मूंग या उर्द की खेती में किसान भाइयों, इल्लियों के अलावा देखो, रस चूसक कीट हैं, रेड माइट है, तो ये बहुत लगना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मैंने कई मूंगों में देखा है कि रेड माइट, जो लाल मकड़ी होती है, स्पाइडर, रेड स्पाइडर जिसको बोलते हैं, रेड माइट बोलते हैं उसको, माइट बोलते हैं इसमें, तो रेड माइट काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अब उसको भी आपको देखना ज़रूरी है, उसका रस चूसते रहते हैं कीड़े, इस वजह से उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि इल्लियों की वजह से ही नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों, अपनी मूंग पर पहली बात तो ये है कि निगरानी करते रहें। आपके खेत में या आपके पड़ोसी के खेत में अगर इल्ली आ गई है तो तुरंत दवाई का इस्तेमाल करें, और वो मैं अभी दवाई आपके लिए बताऊंगा। इसमें अच्छी दवाई कौन सी काम कर रही है, हर कोई दवाई इसमें काम भी नहीं कर रही है, ये भी किसान भाइयों देखा गया है। जैसे कि किसान भाइयों, आप दुकान पर जाते हो तो दवाई बहुत सारी होती हैं, और दुकान वाला तो आपको वही दवाई देगा जो दवाई उसके पास हो, चाहे वो काम करे या ना करे। तो आपको किसान भाइयों, जैसे कि अगर वो साइफरमेथ्रिन देता है, केवल कहता है कि अभी आपकी मूंग छोटी है तो इसको लगा दीजिए साइफरमेथ्रिन 25% इसी, ये काम नहीं करेगी। चाहे अगर वो देता है आपके लिए प्रोपोनोफॉस साइफरमेथ्रिन, प्रोपोनोफॉस 40%, साइफरमेथ्रिन 4% इसी वाली देता है, ये भी किसान भाइयों काम नहीं कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी काम नहीं कर रही है ये। चाहे किसान भाइयों वो कहता है कि रस चूसक कीट हो या मच्छर हो, और प्लस इल्लियाँ भी थोड़ी मर जाएंगी, थाइमेथोक्सम और लैम्डा साइक्लोथ्रिन देता है, ये कॉम्बिनेशन देता है, ये भी काम नहीं करेगा। इसमें किसान भाइयों, एमाबैक्टिन वेंजियोटा अगर लगाते हैं 5% SG वाला, तो ये काम करता है। या आप FMC की कोराजन या PI की कॉस्को ले सकती हो, ये सारी दवाई काम करती हैं, जो अच्छी टेक्निकल और बढ़िया है। एमाबैक्टिन वेंजियोट के अलावा जो टेक्निकल मैं बता रहा हूँ वो सब महंगे टेक्निकल हैं। अगर एमाबैक्टिन वेंजियोट आप लगा रहे हो, पहले देख लेना ये काम कर रही है तो ठीक है, नहीं ये काम नहीं करती है तो आप बड़ा ही टेक्निकल लगाइए, उसका रेल्ट भी 20 दिन का है। एमाबैक्टिन अगर काम भी करती है तो इसका रेल्ट केवल 10 दिन का है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरह नष्ट कर देती है मूंग को, तो इस पर अपनी निगरानी करते रहें। और ये किसान भाइयों वीडियो काफ़ी ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि लोगों की अब आलू के खेत में भी 10 से 12 दिन की मूंग हो चुकी है। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए नमस्कार, थैंक यू।